हेलो दोस्तों, एन डी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास नंबर 50 कंप्लीट कर चुके थे। हमारा आज होगा क्लास नंबर 16 जनरल साइंस का, ठीक है, और एनसीईआरटी का। यहाँ पे एनसीईआरटी को देख रहे थे काफ़ी। ये आपका जो देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर रेलवे के एग्ज़ाम के बाद में देखेंगे तो रेलवे के एग्ज़ाम में आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जितना भी आपका एसिड पढ़ा चुके हैं, बेस पढ़ा चुके हैं, एसिड बेस पर क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आप देखेंगे इसी पैटर्न में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा था वो इसी जो है टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम जो देखेंगे ये लवण देखेंगे, ठीक है, जो आपका होता है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप के आपके सॉल्ट होते हैं, और आपका संकर लवण क्या होता है, द्विक लवण क्या होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो होगा इसका इस पर जो एग्जाम्पल्स होंगे, इसके जो भी आपके कारक होंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हो आपको ये क्लास जो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे है सॉल्ट के बारे में, लवण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो सॉल्ट बनता है आपको पता है कि इसके पहले हम जब रासायनिक अभिक्रिया जो फर्स्ट चैप्टर को देखे थे उसमें आपको बताए थे कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वहाँ पर सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उस पूरे रिएक्शन को हम जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण ये आपका यहाँ होता है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि यही आपको कह रहा है कि यहाँ पे है कि आपका किसी अम्ल तथा क्षारक यानी एसिड और बेस की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्ट कहते हैं। उदाहरण में है कि अमोनिया है, HCl है, तो ये आपका क्षारक है, ठीक है, बेस है, और HCl क्या है आपका एसिड है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो ये आपका होता है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे तो वो आपका अभिक्रिया जो कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। और आपको क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपका जो मिलता है वहाँ पर एक सॉल्ट मिलता है, ठीक है। जैसा कि आपको अमोनियम क्लोराइड एक लवण है, सॉल्ट है। इसके बाद अगला देखिए, अगला है कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो आपके एक्वस विलयन होते हैं, जलीय विलयन होता है, उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, वही जो हम देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे कि क्या क्या आपको वहाँ पर मिलता है। तो क्या होता है, जब भी आपको एसिड बेस से रिएक्शन कराएंगे तो आपको वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया मिलता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं, उसमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है कि जब भी आपको एसिड बेस का रिएक्शन कराएंगे तो किस तरह से उसमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। उदाहरण देखिए, देखिए ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से किया, तो ये आपका क्षार है, ये आपका एसिड है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ लवण बनेगा, और वाटर यहाँ पर जल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है कि जब भी आप लवण को जल में घोलने पर, यानी कि जो आपका सॉल्ट होता है उसको वाटर में जो घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, ठीक है, और धनायनों को भाष्मिक मूलक, बेसिक रेडिकल तथा रेडाइनों को अम्लीय मूलक, एसिडिक रेडिकल्स यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपको यहाँ पर NaCl होता है, इसको जब आपका जल में घोलेंगे, मतलब यहाँ पर जब इसको H2O मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा आपका Na प्लस और Cl माइनस, तो ये आपका क्या होता है, अम्लीय मूलक होता है, ठीक है। रिडाइन होगा, ये कैटायन होगा, ये भाष्मिक मूलक। तो जो भी आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये आपका नमक का फार्मूला होता है, NaCl नमक का फार्मूला, तो क्या बनता है, भाष्मिक मूलक बनता है, और यहाँ पे अम्लीय मूलक, यहाँ पे रेडिकल, एसिडिक रेडिकल्स यहाँ पे उसको कहते हैं, ठीक है, दोनों को, सोडियम क्लोराइड को। अगला है आपका, अगला देखिए कि लवणों का वर्गीकरण यहाँ पर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पार्ट में हो गए, छः पार्ट में पूरे, पूरा टोटल आपके जो सॉल्ट होते हैं ये आप कितने पार्ट में होते हैं, सिक्स पार्ट में, ठीक है। सिक्स पार्ट में यहाँ पे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे सॉल्ट जो होंगे ये सिक्स प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट आपका पार्ट होता है ये आपका सामान्य लवण होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कि जो आपके नॉर्मल सॉल्ट होते हैं वे होते हैं कि वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी एच प्लस या ओ एस माइनस नहीं होते, सामान्य लवण यहाँ पे कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपके NaCl है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सब सामान्य लवण में आते हैं, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब जिसमें आपके आयनिक लवण नहीं हो, जैसे कि आपका एच प्लस हो या ये विस्थापनी जो एच प्लस और ओ एस माइनस नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपके क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण, कॉमन सॉल्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट था यहाँ पर, और लवण आपके कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के। तो अब ये हो जाएगा आपका सामान्य लवण। अगला आपका देखेंगे अम्लीय लवण, एसिडिक में क्या होता है,
तो एसिडिक में जब भी आप देखेंगे, एसिड में हम क्या देखते थे वहाँ पे, जो भी आपका अम्ल था, ठीक है, तो अम्ल में क्या पाया जाता था, एच प्लस, और जो आपके बेस था, ठीक है, जो क्षार था उसमें क्या पाया जाता, ओ एच माइनस, ठीक है, इसमें एच प्लस। तो इसमें भी क्या है, अम्ली में क्या पाएगा, वे लवण जिनमें विस्थापनी एच प्लस यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एच प्लस होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपकी, अम्ली लवण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें NaSSO4 है, NaSCO3, ये सब क्या है आपका, अम्ली लवण के उदाहरण है। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है NaSSO4 और NaSCO3, अम्ली लवण ये आपको कहलाते हैं, ठीक है। अगला है कि क्षार की लवण, इसमें क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस, ठीक है। बेसिक साल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि वे लवण जिनमें विस्थापनी ओ एच माइनस होते हैं क्षार की लवण कहलाते हैं, ठीक है। एसिडिक में क्या होता है, अम्ली में एच प्लस होता है, क्षार की में ओ एच माइनस होता है। उदाहरण में देखिए तो MgOHCl हो जाएगा, ZnOHCl तथा PbOHNO3, ये सब क्या है, क्षारकीय लवण यहाँ पे ये कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आया होगा। 6 पार्ट थे साल्ट के, 6 पार्ट होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। यह आपका तीसरा पार्ट था। पहला आपका समान लवण होता है, जिसमें आपके विस्थापनी एच प्लस ओ एच माइनस नहीं होते हैं। दूसरा में आपका अम्ली होगा, अम्ली में एच प्लस आयन जो है आपका होता है, जो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम अम्ल के बारे में पढ़े थे तो उसमें एच प्लस होता था। ये आपका क्षारकीय होगा, तो इसमें क्या होगा, ओ एच माइनस, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओ एच माइनस होते हैं, तो क्षारकीय लवण। और ये आपका कुछ एग्जांपल्स हैं, MgOHCl, ZnOH, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जब एग्जाम में पूछ देगा कि ये किसका उदाहरण है MgOHCl, ठीक है, या इनमें से क्षारकीय लवण के जो उदाहरण कौन से हैं, उसमें इसमें से कोई आपका रह सकता है, बाकी तीन जो है गलत ऑप्शन देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका जितना भी एग्जांपल होगा हम देख लेंगे। देखिए अगला आपका है यहाँ पे मिश्रित लवण क्या कहलाता है, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। तो मिक्स सॉल्ट में क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा जो है, जो आपके जो सॉल्ट हो, जैसे धनायन है, रिडायन है, वो आपके उपस्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपका मिक्स सॉल्ट, मतलब मिश्रित लवण। तो यहाँ पे आपको देखेंगे वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या रिडायन होते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित लवण, यहाँ पे मिक्स सॉल्ट। NaKSO4 CaOCl2, ठीक है, जो जिसको क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण का फार्मूला है ये, विरंजक चूर्ण, ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको याद रखते हैं, CaOCl2 होता है मिश्रित लवण, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ये चौथा था। अगला देखिए, अगला है आपका द्विक सॉल्ट, ठीक है, डबल सॉल्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सा है जो आपके डबल सॉल्ट है, तो इसमें क्या होता है, दो समान तरह के लवण मिलकर क्या बनाते हैं आपके डबल सॉल्ट, यानी कि दो सरल जो आपके लवण हो गए कि जली विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण, इसको डबल सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में है कि द्विक लवणों में सरल जो लवण होते हैं, सरल जो कॉमन जो आपके सॉल्ट होता है, का अनुपात निश्चित होता है, तथा इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, जलीय विलयन में से सरल लवणों के आयनों में वियोजित ये हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण आपका क्या है, यहाँ पे देखेंगे पोटास एलम है, फिटकरी जिसको कहते हैं, पोटास एलम को फिटकरी भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राई 24H2, ठीक है, तो ये आपका फिटकरी का फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से मोहर सॉल्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देगा इनमें से मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या है, या ये जो फार्मूला है किसका है, ठीक है, ये मतलब ये आपको दे देगा क्वेश्चन में, अब पूछेगा ये फार्मूला किसका है, तो ये मोहर सॉल्ट का होगा, ठीक है। Fe SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, ठीक है, इसको द्विक लवण भी, मतलब ये द्विक लवण का क्या है, डबल सॉल्ट का आपका, ये आपका एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है, देखिए यहाँ पे है संकर लवण, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें क्या होता है कि वे लवण जिनमें क्या होता है, आयन अथवा उदासीन अणु जो होते हैं किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण यहाँ पे कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयन तथा उसके धनायन है, जिसे धात्विक धनायन के साथ क्या कहलाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसंयोजक, ठीक है। तो उस तरह क्या कहलाते हैं आपके, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन जो आपके बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, जिससे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जैसे ये आपका है K4 Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉपर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह के आपका क्या बनाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं धात्विक धनायन के साथ में, तो आपके संकर सॉल्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भी आपका एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनाने में बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगता है। तो उम्मीद करेंगे ये आपको पूरी तरीके से एक एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट जरूर पूछिए यहाँ पे करिएगा, ताकि हम उस तरह से जो है उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। हालाँकि हम अपने जाने में सब अच्छा यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है आपका, इसके बारे में है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe+2 और Cn- मध्य उपसंयोजक बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। जो आपका यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड है,
इसमें Fe प्लस टू और Cn माइनस यहाँ पे आपका जो होगा के मध्य उपसंयोजक बंध यहाँ पे उपस्थित है, और यहाँ पे क्यूप्रिक अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे Cu प्लस टू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर होगा, और ये आपका अमोनिया एन एस थ्री माइनस, ठीक है, के मध्य उपसंयोजक बंध यहाँ पे उपस्थित है। अगला है कि संकर लवण को जल में घोलने पर संकर आयन कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होते हैं और विलयन में संकर आयन अपने अवयवों को वियोजित नहीं होने देते हैं, आयनन की बहुत मात्रा कम होती है, ठीक है, तो ये इसका बारे में था, ठीक है। देखिए अगला है आपको यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे देखिए K4FeCN6 की, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसको हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये आपका 4K प्लस और यहाँ पे FeCN6 होल स्वाइस 4 माइनस, ये आपका संकर आयन ये आपको उत्पन्न होगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे कहा गया था कि इसमें क्या होता है, वियोजित नहीं होते हैं या उनके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, तो इस तरह के आपका यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है अभी जो हम पढ़े हैं उस पर आपका क्वेश्चन है क्या है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट यहाँ पे देखे हैं, तो एसिडिक सॉल्ट में क्या था, NaHSO4, ठीक है, NaHSO4, ठीक है, अभी हम देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखें अम्लीय लवण हम जो पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे NaHSO4 इसका एग्जाम्पल्स है, ठीक है, इसको पढ़े हैं, चाहे ये भी आपको अगर रहता तो ये भी हो सकता था, तो ये आपका अम्लीय लवण का एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझना कुछ नहीं था, डायरेक्ट पूछा तो अम्लीय लवण क्या आपको याद रखना पड़ेगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए अगला है आपका संकर लवण, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे अगर देखिए तो यहाँ पे अगर देखिए Na3FeCN6, ठीक है, ये आपका एक तरह क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका संकर जो लवण था यहाँ पे ये है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यहाँ पे देखिए आपका इसमें तो ये नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे होल सिक्स के फोर एफिशियन सिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका एग्जाम्पल में और होना चाहिए, ये आपका एग्जाम्पल होगा Na3FeCN6, ये भी क्या आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जब इस पर कोई सारा हम जो है क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे दो ही एग्जाम्पल था, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण, देखिए अभी इसको देखे हैं यही होगा, रिपीट हो गया क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण केलासन जल नहीं रखता है, ठीक है, तो इसमें जो केलासन जल नहीं रखता है नीला थोटा धावन छोटा बेकिंग सोडा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो बेकिंग सोडा होता है ये आपका केलासन जल यहाँ पे नहीं रखता है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका टॉपिक है यहाँ पे कि जल अब लवण जल अपघटन क्या कहलाता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है इसमें होता है वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय क्षारी या उदासीन विलयन बनाता है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय क्षारी या उदासीन विलयन बनाता है लवण का जल अपघटन कहलाती है, ठीक है, उदासीन विलयन बनाता है तो लवण का क्या कहलाता है आपका, जल का अपघटन यहाँ पे कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगला है कि किसी यौगिक का जल द्वारा अपघटन डिकम्पोजिशन जल अपघटन कहलाता है, ठीक है, किसी यौगिक का जल द्वारा अपघटन जब होता है तो उसको क्या कहलाते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब अपघटन कहलाता है उसको हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। अगला है कि किसी लवण का, ठीक है, किसी सॉल्ट का जल अपघटन होने पर प्राप्त जो विलयन होगा उदासीन क्षारीय या अम्लीय होता है, ठीक है, उदासीन क्षारीय या अम्लीय होता है, ये आपका था यहाँ पे, ये हो जाएगा ये आपके सॉल्ट जल अपघटन के बारे में। उदाहरण में आपको देखिए अमोनियम क्लोराइड है, कापर सल्फेट के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और कापर सल्फेट के जो जलीय विलयन होंगे वो आपके क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम यहाँ पे एसिटेट के जलीय विलयन जो क्या कहलाएंगे, क्षारीय होते हैं, ठीक है, तो ये आपका दो एग्जाम्पल्स था इसके बारे में यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए अगला है आपका कि NaCl और KNO3 के जो जलीय विलयन होते हैं यह क्या कहलाते हैं, उदासीन होते हैं, जल का आयनन इस प्रकार होता है, यह आपका उदासीन यहाँ पे हो जाएगा H2O H+ और OH- में, ये आपका आयन में विभक्त होता है कैटायन और ये एनायन में, ठीक है, H2O का, तो ये आपका आयनन जो है इस तरह का होता है, ये बारे में देखिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, ठीक है, मतलब वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, इससे बने जो विलयन होगा वो क्या होता है, बेसिक होता है, मीन्स क्षारीय होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने जो आपके सॉल्ट हो गए जल अपघटन से प्राप्त विलयन क्या होगा, क्षारीय आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे।
काफ़ी ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपका हेडिंग है, ठीक है, इसका उदाहरण है आपका कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जब जलीय विलयन क्षारीय होता है तो Na2CO3 के जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जब भी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है तो Na2CO3 को जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएं यहाँ पे होती है। अब क्रियाएं देख लेती है यहाँ पे, ये आपका होगा कि जब इसमें जल में घोल लेंगे तो क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होता है, ठीक है, ये आपका होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका क्या बनता है, यहाँ H+OH-2Na+CO3- प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, ये आपका इस तरह के रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अगला है आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार तथा लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक तरह से क्या है, प्रबल क्षार है तथा लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से है आपका H2CO3 दुर्बल अम्ल है तथा इसके आयनन से प्राप्त H+ आयनों की संख्या कम होती है, अतः विलयन में OH- आयनों की संख्या अधिक होती है तथा विलयन क्षारीय होता है। विलयन का pH 7 से अधिक होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षारीय होता है। जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे था आपका। अगला है कि इसी प्रकार जो सोडियम एसिटेट है यहाँ पे CH3COONa तथा KCN पोटेशियम साइनाइड भी दुर्बल अम्ल जो वीक एसिड तथा प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस से बने यहाँ पे लवण, इस प्रकार जलीय विलयन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आपके सोडियम एसिटेट होगा इसको कहते हैं CH3COONa, इसको सोडियम एसिटेट कहते हैं, इसको बोलते हैं KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड इसको सोडियम एसिटेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका जलीय विलयन होगा क्या होता है, ये भी आपका क्षारीय यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगला आपका देखिए दूसरा है आपका, वो आपका वीक था मतलब, ठीक है, ये आपका प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अवघटन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे जो वीक एसिड मतलब यहाँ पे क्या पाया जाता है, जब भी ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हम क्या देखें, वीक एसिड वहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है, वीक बेस है, ठीक है। जो पहला देखे हैं तो वहाँ पे क्या देखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, सॉरी वीक एसिड देखे थे और स्ट्रॉन्ग बेस देखे हैं, इसमें क्या मिलता है, आपका क्षारीय मिलता है। जब भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो आपका क्या बन, एसिडिक बनेगा, ठीक है, एसिडिक यहाँ पे आपका प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये था कि जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन से प्राप्त विलयन क्या होता है, अम्लीय यहाँ पे होता है। उदाहरण में ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है, और NaH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएँ होती हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी आपका H2S+OH- बनेगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, NaH4Cl और ये दुर्बल क्षार प्राप्त होगा यहाँ पे, ये आपका रिएक्शन था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कि HCl प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल तो अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पे तथा लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस, ठीक है, वीक बेस, तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपका इसके आयनन में प्राप्त OH- आयनों की संख्या कम होती है, ठीक है। चाहे यहाँ पे एक विलयन में H+ आयनों की संख्या, ठीक है, अधिक होने के कारण या अयोग्य होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। जल्द ही हम जो RPF की क्लास आपको यहाँ पे RPF जो भी इसके बारे में जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे होंगे आपको पूरी क्लास समझ में आ रही होगी, और अगर कोई भी दिक्कत है डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।